अक्षय, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले हैं। नहीं। हाँ, वाले ने घुटने। यही नहीं, आपको इस रोल के लिए स्वयं राज ठाकरे जी ने सिलेक्ट किया है। जली ना, तेरी भी जली ना। भाई मैं अचानक से मोबाइल खोलता हूँ और देखता हूँ कि अक्षय कुमार इस छत्रपति शिवाजी महाराज। आप भरोसा कर सकते हैं कि अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करने वाले, वो भी एक मराठी फिल्म में जो कि 2023 के दिवाली में पैन इंडिया तौर पर रिलीज होने वाली है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज सच में यार इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है। आप सोच के देखिए, अभी 25 अक्टूबर को हाल ही में दिवाली 2022 में हर हर महादेव नाम की मराठी फिल्म रिलीज होती, वही राम सेतु रिलीज होती है बॉलीवुड की तरफ से, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है जिसको हमने उसके ऊपर एक रिव्यू बनाया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वो इतनी प्रोपेगेंडा वाली फिल्म थी, राम सेतु के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का यूज़ करके बॉलीवुड अपनी ओर दर्शकों को खींचना चाह रहा था, लेकिन वो भी नहीं चल रही है, आप तो देख ही रहे हैं। और उसके कुछ दिन बाद ही महेश मांजरेकर अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप कास्ट करके एक मराठी फिल्म अनाउंस करते हैं। सोचिए, महेश मांजरेकर जो कि एक समय खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले हैं, वो जो है अक्षय कुमार को इस रोल के लिए कास्ट करते हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंट बात कहें, फिर सबसे बड़ी बात कहें, तो कहा यह जा रहा है कि राज ठाकरे जी जो कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है महेश मांजरेकर जी को अक्षय कुमार का नाम सजेशन दिया था कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इस फिल्म में कास्ट किया जाना चाहिए। जहाँ फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि इसका अनाउंसमेंट रखा गया, जहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और राज ठाकरे जी वहाँ भी मौजूद थे, महेश मांजरेकर के साथ अक्षय कुमार भी मौजूद थे। वहाँ एक फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया, हाँ आप अक्षय कुमार का फोटो देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, आप क्लियरली इस फोटो को देख सकते हैं। आपको ये जो फोटो है इतनी नकली दिख रही है, और यहाँ तक ये जो लुक है अक्षय कुमार का एकदम सीरियस दिख रहा है, और ये डिट्टो ये फोटो जो है गब्बर इस बैक इस सीरियस लुक से दाढ़ी वाले लुक से उठाया गया, और अक्षय कुमार कहीं से भी देख के 1% भी नहीं लगता कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह दिख रहे हों या फिर उनका रोल निभा सकते हैं। ऐसे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर निभाया है, आप उनमें से किसी को ले लेते, शरद केलकर को ले लेते, आप चिन्मय मांडलेकर को ले सकते थे, आप सुबोध भावे को ही ले सकते थे, आप शिव प्रताप गरुड़ जय पाले हमारे भाई को ही ले सकते थे। इतने टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में पसंद करते हैं, जो एक अच्छे तरह से मराठी बोलने वाले एक्टर जो कि स्वभाव से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके उस कैरेक्टर को निभा सकते हैं, महान हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को निभा सकते हैं। लेकिन आप राज ठाकरे जी को अगर कहा जा रहा है कि उन्होंने अक्षय कुमार का नाम सजेशन दिया, तो किस मतलब उन्होंने क्या सोच के इसमें अक्षय कुमार को इसमें कास्ट किया होगा, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, फिर उनके ये समझना बहुत ही मुश्किल है जनता के लिए, क्योंकि एक नॉन मराठी एक्टर को लिया गया है जो उस कल्चर से उस चीज़ से जुड़ा नहीं हुआ है। क्योंकि अक्षय कुमार के बयानों को अगर आप सुनते होंगे तो उन्होंने अपने आप को दिखाई दिया कि किस तरह सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनके अंदर हुई है। सच में भाई महेश मांजरेकर जी जो कि मराठी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में वो उतनी ज़्यादा मदद करते हैं, तो वो इस तरह के फिल्म में अक्षय कुमार को कास्ट करते हैं, देखने में सच में बड़ा दुख होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो अक्षय कुमार टैलेंटेड एक्टर होंगे, लेकिन आप पृथ्वीराज में उनके टैलेंट देख ही चुके हैं। आप देखें सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में किस तरह से बर्बाद किया गया था, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया कि कैसे बॉलीवुड जो है हमारे भारतीय इतिहास को बर्बाद करता जा रहा है, किस तरह से जो है हमारे इतिहास के गौरवशाली जो पात्र है उनको किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, किस तरह से हमारे भारतीय नवयुवकों के सामने उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। आप पानीपत देखेंगे, आप सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे, आप बाजीराव मस्तानी देखेंगे, आप जितने भी फिल्म आए हैं बॉलीवुड की तरफ सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे, तो आपको क्या उस पर हमारे सम्राट की क्या छवि देखने को मिलेगी, आपको हमारे इतिहास से घृणा होने लगेगी। और ऐसे एक्टर अक्षय कुमार को आप जो कि 40-40 दिन में जिस रोल के लिए आदमी को 40 दिन तक तो प्रिपरेशन ही लगता है, उसको अक्षय कुमार 40 दिन में शूट करके पूरा निपटा देते हैं, अपने फिल्म को अगली फिल्म की शूटिंग चालू कर देते हैं, जहाँ एक साल में 6-7 फिल्म वो रिलीज़ करने वाले ऐसे एक्टर को जो है मराठी फिल्म में इतने बड़े छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल ऑफर किया गया है, आप सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार जो है 40 दिन के अंदर जो शूट कंप्लीट करने वाले, वो कहीं से भी छत्रपति शिवाजी महाराज को उस महान चरित्र को समझ पाएंगे, कहीं से भी उस किरदार में ढल पाएंगे? तो महेश मांजरेकर की इस फिल्म का नाम होने वाला है विडात मराठे वीर दौड़ ले साथ। इसमें अक्षय कुमार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, और जो इस फिल्म की जो कहानी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा उनके जो मावड़े हैं उनके जो शौर्य पराक्रम है उस पर आधारित होने वाले, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि शिवराज अष्टक में कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मराठों के जो है शौर्य पराक्रम को दिखाया गया, तो पता नहीं इनको अलग से क्या बनाना पड़ गया और अक्षय कुमार को कास्ट करना पड़ जा रहा है। खबर है कि इस फिल्म को दिवाली 2023 में रिलीज़ किया जाने वाला है, और वही खबर है कि अब अक्षय कुमार जैसे फेम एक्टर को अगर लिया गया है तो केवल मराठी में, तो इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाने वाला है। इस कारण से कहा जा रहा है कि फिल्म जो पैन इंडिया तौर पर रिलीज़ होगी, जैसे कि हर हर महादेव को रिलीज़ किया गया था, और अक्षय कुमार को जो है इसके अनाउंसमेंट के साथ ही मराठी में बोलते हुए दिखाया गया, जो कि एकदम नकली लग रही थी। क्योंकि फिल्म के लॉन्च पर अक्षय कुमार ने बताया कि उनसे जो है राज ठाकरे ने जोर देकर कहा था कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाए, तो पता नहीं राज ठाकरे जी को कौन से हिसाब से अक्षय कुमार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार के लिए फिट लगे, क्योंकि हम इतने सारे एक्टर्स को जानते हैं
हैं जो कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर को गर्व से और उनसे कनेक्ट होकर उनके तरह ही स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। हम शरद केलकर जी को जानते हैं, चिन्मय मांडलेकर जी को जानते हैं, हम सुबोध भावे जी है अभी हर हर महादेव में निभाए, तो मतलब इतने सारे एक्टर्स हैं कि टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो उनको छोड़कर जो है अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लेना कितने हद तक सफल हो पाएगा, कितना सही हो पाएगा, वो तो आगे पता चलेगा। और पोस्टर को आप देख ही सकते हैं जहाँ अर्धचंद्र का जो टीका लगा था छत्रपति शिवाजी महाराज के मस्तक पे, उसको हटा के एक लाल चंदन लगा दिया गया है। और वहीं अक्षय कुमार का जो लुक है वो, उनके दाढ़ी भी बड़ा नहीं दिख रहा, उनके मूछें भी कुछ हद तक साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, और पता नहीं इसको फोटोशॉप करके गब्बर इस बैग के फोटो फ्रेम से निकाला गया है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो खैर, हमारी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो अक्षय कुमार जो है कहीं से भी छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार के लिए परफेक्ट नहीं है। चाहे आप लुक वाइज ले लीजिए, चाहे आप उनके मराठी एक्सेंट को ले लीजिए। पिछली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से वो साबित कर चुके हैं कि 40 दिन में कोई फिल्म को अच्छा से बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए एक समर्पण की भावना होती है जो कि उनके अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखती। हमारा तो यही मानना है कि राज ठाकरे जी को उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है, तो हमें तो यही लगता है कि मराठी एक्टर को किसी को लेना चाहिए था। और शरद केलकर जी तो एक ऐसे एक्टर हैं जो कि मराठी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे पैन इंडिया लेवल पर आज फेमस हो चुके हैं, उन्हें सभी जानते हैं, तो उनको भी लिया जा सकता था। तो पता नहीं उन्होंने बड़े एक्टर के नाम पर ही अक्षय कुमार को क्यों लिया है। तो हमारा ये ओपिनियन है कि अक्षय कुमार इस रोल के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी।